पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछले हफ्ते ही मैं ठाणे और मुंबई गया था। यहां मेट्रो समेत 30,000 करोड़ की परियोजनाओं के शुभारंभ का अवसर मुझे मिला। इसके पहले भी अलग अलग जिलों में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं शुरू हुई हैं। कई शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है और कहीं एयरपोर्ट को अपग्रेड भी किया जा रहा है, तो कहीं सड़कों और हाईवे से जुड़ी योजनाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। किसानों और पशुपालकों के हित में नई पहल की गई है। महाराष्ट्र में देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट वधवन पोर्ट की नींव रखी गई है। महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से इतने बड़े स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। हाँ, ये बात अलग है कि कांग्रेस के राज में इतनी ही तेज गति से इतने ही स्तर पर अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जरूर होता था। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं और हरियाणा ने बता दिया है कि देश का मिजाज क्या है। और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं, हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। दो बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उनसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं।